तो नमस्कार प्रिय साथियों, मैं डी कुमार आप सबका अपना YouTube चैनल जी एस टी बाई डी कुमार में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों फिर आज हम सब एक नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जो कि यूपी पंचायत राज विभाग के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी वैकेंसी निकला है, तो उसके माध्यम से आज हम देखेंगे कि इसमें वैकेंसी जो है किस प्रकार और कब से इसका कब अंतिम डेट है, किस प्रकार इसका मेरिट लिस्ट, कितना फी, तो सारा जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखते हैं क्या है इसका सारा प्रोसेस। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले इसका पद। तो जैसे आप देख रहे हैं पंचायती यूपी पंचायती राज विभाग 2021, तो इसका जो टोटल पोस्ट जो है वो 58,000 है। कितना? 58,189 इसका क्या है ये पोस्ट निकला है। और इसका जो शुरुआती तिथि यानी कब से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, तो इसका डेट यानी आप शुरुआती तिथि 2 तारीख से है। शुरुआती तिथि 2 अगस्त, 2 अगस्त से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, 2 तारीख से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और साथ ही इसका अंतिम डेट यानी अंतिम डेट कब है, तो इसका अंतिम डेट आपको 17 तारीख को है। अंतिम तिथि 17 अगस्त। बात करें इसका फॉर्म का, तो देखिए इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जाएगा या ऑफलाइन भरा जाएगा। तो आप किसी भी साइबर कैप पे जाके जिसे फॉर्म फिलअप कर लेते थे, तो उस प्रकार हमें नहीं करना है। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको फॉर्म वहां से ले लीजिएगा, ऑनलाइन वहां से आपको मिल जाएगा, प्रिंट निकाल के यहाँ आपको भर के और उस ऑफिस में जमा करना है, सहायक जो ऑफिस होगी वहां पे। तो साफ बात है कि इसका जो भर्ती यानी जो फॉर्म फिलअप होगा वो ऑफलाइन होगा। तो क्या इसका फॉर्म फिलअप ऑफलाइन होगा। बात करें इसका फीस का, तो देखिए इसमें फी आपको 0 रुपया लगेगा, 0 रुपया यानी 1 भी रुपया नहीं लगा। इसलिए बहुत अच्छा मौका है कि आप आराम से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्या है? बहुत अच्छा मौका है। बात करें योग्यता की, तो योग्यता देखिए इसमें आप 12th पास होना चाहिए। क्या होगा? 12th पास होना चाहिए कोई भी। बट एक चीज और रीजन ये देखिए क्या है कि इसमें जो आपकी भर्तियां होगी वो वहां का अस्थाई निवासी होना अनिवार्य है, समझे? यानी जैसे मान लीजिए कोई भी अदर स्टेट का जाके वहाँ फॉर्म फिलअप कर देगा, ऐसा नहीं है। इसमें जो फॉर्म फिलअप होगा ओनली फॉर यूपी का ही स्टूडेंट यानी वहीं का विद्यार्थी फॉर्म इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं कर सकते हैं। तो ये कंफर्म, यहाँ तक तो समझ गए। उसके बाद देखिए हम इसका जो देखते हैं एज लिमिट, क्या एज आयु कितना मांग रहा है। आयु आपको 18 वर्ष क्या है कम से कम, वहीं देखिए अधिकतम तो 40 वर्ष। क्या इसका अधिकतम 40 वर्ष हो सकता है। और देखिए इसका जो डेट कब से कब लिया जाएगा, तो 1 जुलाई 2021 में यदि आपका एज 18 वर्ष पूर्ण गया, आप 12th पास है, तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बिंदास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही बात यह है कि अगर 1 जुलाई 2021 को आपका एज 40 वर्ष से अधिक हो गया तो आप इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते हैं, ये भी बात है। तो यहाँ तक टोटल क्लियर हो गए। और बात करते हैं हम इसका सैलरी का, तो इसमें जो आपको सैलरी मिलेगा वो 6,000 रुपया मिलेगा। कितना? 6,000 आपका सैलरी रहेगा, 6,000 रुपया। इसमें देखिए आपका जो भर्ती होगा, जैसे यहाँ तो दे दिया है क्लियर, उसके बाद सितंबर सब में लगभग अगस्त या सितंबर में इसका मेरिट लिस्ट टोटल क्लियर हो जाएगा।
और अक्टूबर से पहले आपका टोटल वेरिफिकेशन सब हो के सारा चीज क्लियर करके यानी आपका मैट लिस्ट तैयार कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको एग्जाम बेसिस आपका मैट लिस्ट नहीं बनेगा, इसमें आपका मैट लिस्ट बनेगा 12th और 10th के आधार पे। तो साफ है कि एग्जाम नहीं होगा, ये भी एक अगर आपका अच्छा नंबर है तो आप आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बहुत अच्छा मौका मिला है। और ख़ास करके यूपी के स्टूडेंट को जो कि वहाँ का निवासी है उसको बहुत अच्छा मौका मिला है, क्योंकि इसमें कोई बाहरी स्टूडेंट नहीं है, वो खुद रहेंगे तो और अच्छी बात है। तो ये टोटल क्लियर हो गया। देखिए एक बार हम बता देते हैं पद जो है इसमें कितना 58,189 है, जो कि काफ़ी अधिक है, समझिए कितना इंडिया लेवल पे निकलता है वैकेंसी कभी कभी। शुरुआती तिथि इसका 2 अगस्त क्लियर है, अंतिम तिथि 17 अगस्त, ये भी क्लियर। फी 0, कितना 0 रुपया लग रहा है हमको, कुछ भी नहीं लग रहा है। योग्यता 12th पास आपको होना चाहिए कोई भी बोर्ड से, बट उत्तर प्रदेश का निवासी होना भी अनिवार्य है। आयु का बात करें तो आयु आपकी 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, वहीं 40 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं, 40 वर्ष के अंदर में। तो ये एज काउंटिंग किस चीज़ पे किया जाएगा, तो वो 1 जुलाई 2021 के अंदर वाले को कर लिया जाएगा या उस दिन भी, तो वो भी हो जाएगा। सैलरी इसका क्या, तो सैलरी देखिए आपको 6,000 रुपये मिलेगा। तो ये टोटल क्लियर हो गया। और जो सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो वैकेंसी जो फिलअप करेगा वो क्या कि कम से कम 18 वर्ष एज रहना चाहिए, 12th पास आउट हैं तो अच्छी बात है, और वहाँ का निवासी हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि तब आप आराम से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो टोटल जानकारी यहाँ क्लियर हो चुका है दोस्तों। तो और अभी कुछ आप सबको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ आपको हम बता देंगे। तो कोई भी डॉट है तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वहाँ से हम आपको बता देंगे। तो चलिए आई होप आशा करता हूँ कि वीडियो आप सब अच्छा लगा हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि आपका भी दोस्त देखे और फॉर्म फिलअप कर सके, आपकी एक मदद उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज तक के लिए जय हिंद जय भारत।